जय हिंद। नमस्कार मेरे सेफ सैन्यू। देखिए, जितने भी बच्चे आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उन सबको मैं बता दूं कि आर्मी अग्निवीर का जो पेपर का सिलेबस है, वैसे तो कहने को सेम है, जो इतने साल से पेपर का सिलेबस था वही सिलेबस इस बार है। लेकिन पिछली बार के अगर आप ऑनलाइन प्रश्न पत्रों को देखोगे तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें चेंजिंग हुई है। इसलिए अगर आप कोई पुरानी ओल्ड बुक पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ना छोड़ दीजिए, नई लेटेस्ट कोई भी बुक आर्मी की लीजिए और उससे पढ़ाई करिए। ठीक है, काफी बच्चे ऐसे हैं जो पुरानी जो गाइड है उन्हीं को पढ़ते जा रहे हैं, पुरानी शैली को अपनाते जा रहे हैं। पिछली बार भी बहुत सारी, क्योंकि जब ऑनलाइन पेपर था ना तो उसमें चेंजिंग करना जरूरी होता है, क्वेश्चन नए नए डालने भी जरूरी होते हैं। क्योंकि मान के चलिए 30 दिन अगर आर्मी का पेपर हो रहा है, एक दिन में 4 शिफ्ट हो रहे हैं, तो 30 दिन में आप मान के चलो लगभग 120 शिफ्ट हो गई भाई। एक दिन में 30 शिफ्ट हो रहे हैं तो लगभग 120 पेपर उनको बनाने पड़ेंगे। तो जब इतने पेपर बनाएंगे तो सेम सिलेबस पर तो बनाएंगे नहीं। लेकिन हाँ, काफी बच्चे पूछ रहे हैं सर इस बार सिलेबस कैसा रहेगा या पेपर का लेवल कैसा रहेगा, तो मैं आपको बता दूं, आर्मी जीडी और इनमें सिलेबस में चेंजिंग यानी क्वेश्चनों में बदलाव होगा, क्वेश्चनों में बदलाव होगा ही होगा। जो पुराने जमाने से जो चीजें आ रही है वो फिक्स नहीं आएगी। जैसे होता क्या, आर्मी के पेपर में आपको बता दूं मैथ्स और रीजनिंग में कुछ भी चेंज नहीं होगा। आप जो पहले पढ़ते आ रहे हैं वही लेवल पढ़ लीजिए, लेवल बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, सेम लेवल रहेगा जैसे बाकी इतने दिन रहा था। पिछली बार भी आर्मी के पूरे पेपर मैंने देखे थे और उससे पहले के भी देखे हुए हैं, तो उसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा। जो बदलाव होगा वो होगा जीके के क्वेश्चनों में, मेन इंपोर्टेंट जो बदलाव होगा वो जीके क्वेश्चनों में। जैसे पहले फिक्स था, एक दिवस का क्वेश्चन आता था, एक खेल का क्वेश्चन आता था, एक राजधानी का क्वेश्चन आता था, एक मुद्रा का क्वेश्चन आता था, एक वन्य जीव अभयारण्य का क्वेश्चन आता था, एक भारत में पहला कौन है दूसरा कौन है ये आता था, एक मरुस्थल से क्वेश्चन पक्का आता था। ऐसे करके फिक्स 15-20 क्वेश्चन थे जो जहीं से उनके सारे के सारे क्वेश्चन बन जाते थे। अब आता तो आज भी वैसा ही है, लेकिन जैसे क्या होता है कि आप सोचो जैसे दिवसों के 120 क्वेश्चन नहीं निकल पाएंगे, समझ गए बात को, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है पेपर का लेवल। इसलिए थोड़ा सा डिटेल में पढ़िए आप। मेरा कहने का मतलब है क्वेश्चन तो आज भी इन्हीं टॉपिकों से आएगा, दिवस का क्वेश्चन भी आता है अभी भी, खेल का भी आता है, ये आप सबको पता है, उपनाम आता है, नृत्य शैलियां आती है, ठीक है, कौन से राज्य में कैसे नृत्य होते हैं ये सब आते हैं, अभयारण्य कहां पर है, सबसे पुराना अभयारण्य कौन सा है, अभयारण्यों के आते हैं, मरुस्थल के आते हैं, ये क्वेश्चन तो आते आते हैं, समझ गए, कानून की धाराओं के आते हैं, मूल अधिकारों में से आते हैं, मूल कर्तव्यों में से क्वेश्चन आते हैं, फिक्स है। लेकिन अब क्या है, थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ना। पहले क्या फिक्स होता था कि मूल अधिकार आप पढ़ लेते थे और उनको ऊपर ऊपरी पढ़ लेते थे कि हाँ कौन सा मूल अधिकार किस में, लेकिन अब ये डिटेल में आ गया कि मूल अधिकारों में भी आपको आ जाता है कि स्पष्टता कौन से अनुच्छेद में, थोड़ा डिटेलिंग में, हल्का सा डिटेलिंग में चला गया। इसलिए जो भी बच्चे जीके पढ़ रहे हैं, मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप चाहते हो कि इस बार आपका आर्मी में सिलेक्शन हो, क्योंकि जीके बहुत मैटर करेगा, 15 क्वेश्चन, जनरल साइंस में ज्यादा बदलाव नहीं, ध्यान रखना जीके मेन बदलाव है, जो 15 क्वेश्चन जीके वाले ना इनमें से 7 से 8 क्वेश्चन जैसे पहले आते थे वैसे आएंगे, और 7 क्वेश्चन के आसपास थोड़े से नई शैलियां रहेगी इनमें, थोड़ा सा क्वेश्चन डीप रहेगा हल्का सा। इसलिए आप जीके को थोड़ा सा डिटेल में पढ़े, समझ गए बात को, तो और कोई सिलेबस में बड़ा बदलाव है नहीं। मेरे ख्याल से मेरी तरफ से जो एडवाइस आपको होनी थी वो ये है कि जीके पे थोड़ा सा सही से ध्यान दे, थोड़ा डिटेलिंग में पढ़े, ऊपर ऊपर का ना पढ़े, जैसे आप इतने दिन पढ़ते थे ऊपर ऊपर का ना पढ़े, थोड़ा डिटेल में जाइए और थोड़ी चीजें एक्स्ट्रा भी पढ़ने की कोशिश करिए। पिछली बार की कट ऑफ आपने देखी होगी, कई बच्चे फाइनल मेट में रह गए थे, तो अगर आप चाहते हो आप ना रहो, बाकी मैथ रीजनिंग जैसे पिछली बार आई थी फिक्स है, वही चैप्टर वही लेवल कुछ बदलाव नहीं, जनरल साइंस वही चैप्टर वही लेवल कुछ बदलाव नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो बदलाव देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे जीके में। तो आप जीके को थोड़ा सा अच्छे से लीजिए और बढ़िया से पढ़िए भाई, ठीक है। जय हिंद, जय भारत लाडू।